आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि इवेंट में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा ये हुआ कि आप सबको ये नज़र आया कि हम लोग बाहिम्मत हैं, हम घर के साथ साथ काम भी करते हैं, और आप लोगों के साथ इंजॉय भी किया, यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम मैं कह सकती हूँ कि इस इवेंट में आपने इसलिए आप आई हैं कि आप मेरे को बता सकें कि आपके अंदर भी कुछ खास है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अल्लाह पाक ने इस दुनिया में एक छोटी सी चींटी को भी पैदा किया है ना, तो वो भी इस दुनिया में उसकी कमी मतलब ये है कि ना चीज़ नहीं है, उसकी भी कोई ना कोई वजह है, उसकी भी किसी चीज़ की अहमियत है, चाहे वो चींटी है या बड़ा हाथी है या बड़ा ऊँट है। हम सबको यही सोचना चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। कुरतुल्लैन की मदर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको अपनी बेटी पर गर्व है या नहीं, कि उनकी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन ली है और उन्हें किस तरह से अपनी बेटी को सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप बताएं किस तरह से आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया? लपाक में बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुई थी, बाद में ऐसे हो गया, बस मैंने आज तक इसे महसूस नहीं होने दिया कि आप कुछ नहीं कर सकती। मैंने बस यही इसे इसके जहन में बिठाया है कि आप सब कुछ कर सकती हो, आपके अंदर बहुत जोश और जज्बा और सच्ची लगन होनी चाहिए, और अल्लाह पाक साथ देते हैं बाद। बहुत अच्छी बात है, मदर ने सपोर्ट किया है और ऐसे ही होना चाहिए, माओं को अपने बच्चे को सपोर्ट करें, चाहे उनमें कोई भी खामी क्यों ना, उनको बताएं कि आपके अंदर ये खूबी भी है, तो आप उसको भी ऐसे ही थे। जी जी, पापा बहुत अच्छे थे, और लेके जाना स्कूल में, पहुँचाना फिर लेके आना इस दुनिया में। अच्छा, फादर इनके फौत हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी मदर ही उनके लिए फादर भी हैं, मदर भी, और सारे रोल प्ले कर रही हैं। सो बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें कभी भी अल्लाह का नाशुक्री जो है वो नहीं करनी चाहिए। सो इस वक्त मेरे साथ मेन स्ट्रीम के मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम आज़म मुख्तियार है, मैं ठीक हूँ। और इस तरह के इवेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, साल में एक दिन आता है जिसमें मज़ूर अफराद घर से निकलते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वो खुशी का इजहार किस तरह करते हैं? मुख्तलिफ इवेंट में जाते हैं, शिरकत करते हैं, वहाँ पर अपने बहन भाइयों को, दूसरों को, स्पेशल पर्सन को देखकर खुश होते हैं। और इस 3 दिसंबर के हवाले से जो है ना, मज़ूरों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है, जो कि मज़ूर अफराद मुख्तलिफ रैलियाँ निकालते हैं, मुख्तलिफ इवेंट करते हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो भी इस इवेंट में आई है और कैसी हैं आप? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही? 3 क्लास में पढ़ प्यारी बच्ची है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनको सर्टिफिकेट भी मिले हैं और बहुत ही खुशी की बात है। आप खुश हो रही हैं? खुश हो रही हैं। तो इनकी मदर के हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लगा कि उनकी बड़ी ने पार्टिसिपेट किया है, हमको सर्टिफिकेट भी मिला। कैसी हैं आप? आपकी बड़ी ने पार्टिसिपेट किया और कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है इसकी खातिर आइयों में, बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया इसने। अब आप ही हैं मोटिवेशन, उसके लिए आपने इसको इंस्पायर करना है, तो ऐसे ही करती है ना अपनी बेटी को इंस्पायर करें, क्या पता वो एक दिन आएगा वो बहुत अच्छी टॉप पर होगी। तो हमारे साथ एक और पर्सनालिटी है जो कि मेन स्ट्रीम में एज ए जर्नलिस्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे सर आप? ठीक ठाक। बताएं सर, किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नादिर भाई ने निकाला था कि मैं 8 साल से घर से बाहर, और मैं मुझे ट्रेनिंग भी देते हैं कि यानी कि खाना कैसे खाना है, अपने पानी कैसे पीना है, यानी कि अपनी बहुत सारी जरूरियात की चीज़ों की मुझे सब इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी है, मुझे नहीं पता था। तो मुझे यान के साथ आके बहुत अच्छा लगा, इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, ये मुझे हर फंक्शन पे लेके जाते हैं, अटेंड करवाते हैं मुझे हर फंक्शन।